मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दौलत के एक छोटे से हिस्से से 3,500 करोड़ रुपए की एक पेंटिंग खरीदी। 3,500 करोड़ रुपए से 3 Boeing 747, 25 F-16 लड़ाकू विमान, 1200 फुल्ली लोडेड लैम्बोर्गिनी भी खरीदी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इतने पैसे ये पेंटिंग खरीदने में क्यों लगा दिए? वी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनका परिवार लखपति है ना ही करोड़पति और ना ही अरबपति, बल्कि ये परिवार 1.5 खरब डॉलर का मालिक है, यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर। अगर भारतीय मुद्रा की बात की जाए तो ये 106 खरब रुपयों के मालिक हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल इंसान में से एक हैं। ये परिवार इतना अमीर है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी इनके सामने जीरो के बराबर है। आज हम बताएंगे इनके पास इतना पैसा आया तो आया कहां से, और मोहम्मद बिन सलमान बिन अजीज बिन सऊद इतना पैसा आखिर खर्च कहां करते हैं, आखिर वो कौन से शौक हैं जिनको सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टक्कर लेने की जरूरत पड़ी, तो आइए जानते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस खानदान से है उसे हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है, और वो दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन खानदान में से एक है। ये खानदान 1.4 ट्रिलियन डॉलर का मालिक है, जो बनते हैं 106 खरब रुपए। इस खानदान के पास बर्तानिया के शाही खानदान से भी 16 गुना ज्यादा पैसा है। लेकिन इनके पास इतना पैसा आता कहां से है? हमने तो शाही खानदान को दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ियों में ही देखा है, लेकिन ये गाड़ियां खरीदने के पैसे आते कहां से हैं? इसका सीधा साधा जवाब है, और वो है ऑयल। जी हाँ, सऊदी खानदान का एक सबसे बड़ा एसेट है सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंपनियों में से एक है। ये कंपनी इतनी बड़ी है कि एप्पल, गूगल, अमेजोन और फेसबुक, ये चारों कंपनीज भी मिल जाए तो सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू को नहीं हरा सकती। सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। यानी कि दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका भी अगर चाहे तो सऊदी अरामको को खरीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, और इस शाही खानदान की सिर्फ एक कंपनी 10 ट्रिलियन डॉलर की है। अब आपको अच्छा खासा अंदाजा हो चुका होगा कि सऊदी खानदान कोई हल्की फुल्की जागीर के मालिक नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर खानदान है, और इस खानदान का सबसे ताकतवर शख्स है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिसका निकनेम है MBS। हालांकि 38 साल का मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी प्रिंस नहीं है, लेकिन वो अपने वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं, और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। आइए देखते हैं MBS अपने पैसे खर्च कहां करते हैं। गोल्ड कार, प्राइवेट जेट्स और शाही महल से लेकर सोने से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम तक, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सऊदी के शाही खानदान ने छोड़ी हो। लेकिन सिर्फ हम उन्हीं खर्चों के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की है और जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई, तो वो उनको 2 महीने के हनीमून पे जापान और मालदीव्स ले गए। मालदीव पे MBS ने एक पूरा आइलैंड बुक किया था, जहां पे वो अपने प्राइवेट सी प्लेन पे पहुंचे। इस आइलैंड पे MBS के सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल सेफ भी मौजूद थे, और आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भटकने की भी इजाजत नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में शाही वेकेशन मनाने गए, तो वहां पे उनको एक खूबसूरत यॉट दिखी। इतनी खूबसूरत कि उनका उसी समय उस पे दिल आ गया। उन्होंने फौरन उसको खरीदने का हुक्म जारी किया। मालूम पड़ा कि वो यॉट एक रशियन वोडका टाइकून की है, जिसने अपने यॉट के 500 मिलियन डॉलर मांगे। 500 मिलियन डॉलर 3,800 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन क्योंकि MBS की ख्वाहिश थी उसको मुंह मांगे पैसे देकर, वो यॉट MBS ने अपने नाम कर ली।
इस 440 फुट लंबी यॉट का नाम सेरीन है, जिसमें दो स्विमिंग पूल, हॉट टब, दो हेलीपैड्स, एक जिम्नेजियम और एक मूवी थिएटर भी है। इस आलीशान यॉट में 15 कमरे हैं, जिसमें 25 लोग ऐशो आराम से सफर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और यॉट भी खरीदी थी, जिसका नाम पिकासुस 8 है, और इसको बेचने वाले रोनल्ड ट्यूटर ने इसका दाम $60 मिलियन बताया, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए बनते हैं। इस यॉट में भी तमाम ऐसो आराम वाली चीजें पाई जाती हैं, जो किसी बड़े से बड़े 5-स्टार होटल में होती हैं। 2015 में क्राउन प्रिंस ने फ्रांस में चैटी लुइस 14 महल खरीदा, जिसको खास तौर पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा डिजाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल $300 मिलियन में खरीदा गया, जो बनते हैं 2,280 करोड़ रुपए। हरे भरे पेड़ों के दरमियान ये महल 630 एकड़ जगह में बना हुआ है, जिसमें महल की लाइट, फाउंटेन, सिक्योरिटी सिस्टम, सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया है, जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है, जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती नजर आ सकती हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल में इनडोर और आउटडोर पूल्स, प्राइवेट सिनेमा और एक नाइट क्लब भी मौजूद है। एक बार सऊदी प्रिंस एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, तो एक सऊदी बच्चे ने उनसे उनकी कार की डिमांड की। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से इस बच्चे का एड्रेस लेने को कहा, और दूसरे दिन ही उस बच्चे के घर में मर्सिडीज बेंज पहुंचा दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो दा विंची की 500 साल पुरानी एक पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका के एक ऑक्शन में बिकी थी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग में से एक है। मोहम्मद बिन सलमान ने किसी दूसरे अरब शहजादे के जरिए $450 मिलियन में खरीदी, जो 3,500 करोड़ रुपए बनते हैं।